नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आपके बीच ग्रामर का अगला टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टेंस का सेकंड पार्ट, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, हम पास्ट टेंस की चर्चा किए हैं और पास्ट टेंस को हम जानते हैं चार पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन है? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, फिर आया पास्ट कंटिन्यूअस, फिर तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरह से पास्ट के चार पार्ट होते हैं और हम आज कोशिश करेंगे पास्ट टेंस पढ़ने का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की का स्ट्रक्चर होता है कि अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, एकदम साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, फिर वो आपका सेकेंड फॉर्म लगता है ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड्स लिखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमने बताया है, ये सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, सबके लिए है। यूपी बोर्ड में लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो ट्रांसलेशन में पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट की, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आता है और उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में काउंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला है सिंपल सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लगाते हैं। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगेगा। और ता था, ती थी, ते थे अथवा या, ये या यही आता है ना। जैसे मान लीजिए वह विद्यालय गया, ये सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट है वह ही सबसे पहले करता, उसके बाद वो आपका सेकेंड फॉर्म गया, जाने का गो, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू स्कूल, है ना। इस तरह से आएगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, राधा ने भोजन पकाया, भोजन पकाया। सेंटेंस देखिए सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट का है, राधा कुक्ड, राधा कुक्ड फूड, राधा ने भोजन पकाया। मैं शहर गया, शहर गया, मैं शहर गया, क्या बनेगा, आई वेंट टू सिटी। ये सिंपल है, सिंपल पास्ट का सिंपल सेंटेंस। आइए हम देखते हैं इसका नेगेटिव क्या होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, डिड नॉट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वो आपका फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। जैसे वे शहर नहीं गए, सेंटेंस देखिए, वे दे डिड नॉट गो टू सिटी, दे डिड नॉट गो टू सिटी, है ना। जैसे या चपरासी ने घंटी नहीं लगाया, चपरासी ने घंटी नहीं लगाया, क्या बनेगा, द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल, रिंग द बेल, है ना।
तो इस तरह से हमें पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस मिला, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ठीक है। वे शहर नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू सिटी, चपरासी ने घंटी नहीं लगाया, द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। अब समझिएगा, अगर इसी का पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव आ जाए, सॉरी इंट्रोगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव आने पर सेंटेंस अगर क्या से शुरू है तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि नॉट भी है, नॉट लगा दीजिए, वो आपका फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आने पर डिड से पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, जैसे क्या राजू शहर नहीं गया। सेंटेंस देखिए, क्या राजू शहर नहीं गया, एक और दिखा देते हैं, तुम भोजन क्यों नहीं पकाते थे। सेंटेंस देखिए, ये दो सेंटेंस है, क्या से पहले शुरू है तो हम बताए थे क्या के जगह पर डिड लिखेंगे, यहां लिख दिया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट राजू, नॉट, इसमें नॉट है, नॉट गो, वो का फर्स्ट फॉर्म, गो टू सिटी, टू सिटी, है ना। डिड राजू नॉट गो टू सिटी क्वेश्चन मार्क, तुम भोजन क्यों नहीं पकाते थे, बीच में क्यों आ गया तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट तुम यानी यू, फिर नॉट कुक, फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए इसमें, इंट्रोगेटिव है, वाई डिड यू नॉट कुक फूड, तुम भोजन क्यों नहीं पकाते थे, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्नवाचक नकारात्मक, है ना। दो सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे नौकर कमरा साफ नौकर कमरा साफ क्यों नहीं किया। इसको सोचिए, तब तक हम एक और सेंटेंस लिखते हैं, जैसे दरवाजा कौन खटखटाया, है ना। तो देखिए, यहां क्यों बीच में है, इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे why did servant, the servant नहीं साफ किया, not clean the room question mark, why did the servant not clean the room, दरवाजा कौन खटखटाया, कौन यानी who, who, who did, सब्जेक्ट नहीं है, who did knock at, knock के बाद at लगता है, door, the door question mark। तो इस तरह से ये सिंपल पास्ट था, पास्ट इंडेफिनिट। आपसे उम्मीद है कि आप इसे देख के कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार।